जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा छठा चैप्टर भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल दो लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा चैप्टर सिक्स का लेक्चर दोस्तों थर्ड है। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है दोस्तों? ध्यान से देखिए, भाज तथा अभाज, भाज तथा अभाज संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। ये चैप्टर नंबर दोस्तों 6 है। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है भाज तथा अभाज संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। देख दोस्तों, इसके अंतर्गत आपके दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें विधिवत से मैंने आपको भाज तथा अभाज संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा की थी लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों। उसके बाद सह अभाज संख्या क्या होती है उससे संबंधित चर्चा लेक्चर नंबर 2 में की थी, और उसी में दोस्तों लघुत्तम समापवर्ती यानी कि मासा हमारा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा कर ली है। दोस्तों आज की क्लास में एलसीएम से संबंधित दोस्तों जो विधियां हैं उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे, ठीक है, और उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में पेपर में जो पेपर क्वेश्चन आते हैं उस पर दोस्तों चर्चा विधिवत से आज की क्लास में करेंगे, ठीक दोस्तों डीएनए फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आप तक आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीलवाइज देखने को मिल जाए तो इसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप दोस्तों उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीलवाइज देखने को मिल जाएंगे, ठीक दोस्तों, और सभी वीडियोज का लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों सीलवाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से दोस्तों जुड़ने से आपका फायदा ये होगा कि सबसे पहले वहां भी से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक दोस्तों, इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी आप सभी भाई बंधु जुड़ जाए दोस्तों। चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब कल लेक्चर नंबर 2 में हमने आपसे चर्चा किया था तो हमने कुछ प्रश्न कराए थे, हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सी किस विधि से प्रश्न करा रहे हैं। जैसे आज एक प्रश्न लिख रहे हैं दोस्तों, कल की क्लास में 3 प्रश्न हो चुके थे, यानी कि आज की क्लास का प्रश्न नंबर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? 4। बट पहले जानिए कि लघुत्तम समापवर्ती किन किन विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, लघुत्तम समापवर्त किन किन विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, तो ध्यान समझिए दोस्तों लघुत्तम समापवर्त दोस्तों जो होते हैं हमारे दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। क्या लघुत्तम समापवर्त निकालने की दोस्तों दो विधियां आपके सिलेबस में है, कौन कौन से? ध्यान समझिए दोस्तों, पहली दोस्तों विधि जो है आपकी
पहली भी दोस्तों जो है भाग विधि, कौन सी है? भाग विधि, पहले कौन सी भी दोस्तों? भाग विधि। एंड दूसरी भी दोस्तों जो आपकी है अभाज्य गुणन खंड विधि, यानी कि डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड, दूसरा कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विधि। कैसे इन दोनों विधियों से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक दोस्तों, ध्यान से एक प्रश्न के माध्यम से आपको चर्चा करते हैं, इन दोनों विधियों को प्रश्न के माध्यम से दोस्तों ही आपको समझाएंगे, ध्यान समझिए। प्रश्न लिखते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, पचास सत्तर तथा चौरासी का लासा, लासा लिखा मिलेगा यहां लघु, या लिखा लिखा मिलेगा लघुत्तम समापवर्त का लासा भाग विधि से, भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए, और दोस्तों कल के क्लास में जो हमने आपको विधि बताई थी वो भाग विधि ही थी दोस्तों, हमने कल क्लास में जो प्रश्नों पर चर्चा की थी दोस्तों वो भाग विधि से ही हमने करवाए थे दोस्तों, आपको भाग विधि से ही हमने सारे प्रश्न आपको बताए थे, इसलिए वह कौन सी विधि थी? भाग विधि थी। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। तो दोस्तों इस लासा का भाग विधि से ज्ञात करना है, हमने आपको निकालना भी सिखा दिया कल क्लास में, बहुत सारी चर्चा की थी, हमने विधि नहीं बताई थी कौन सी, इसलिए हमने कहा था आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो कौन सी विधि थी दोस्तों? भाग विधि थी। अब ध्यान समझिए, इसका भाग विधि से निकालना, पचास सत्तर तथा चौरासी का लासा भाग विधि से निकालना है, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? पचास लिख लेंगे, सत्तर लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे? चौरासी, एक साथ इन सभी का एक साथ दोस्तों लासा निकालते हैं ऐसे करके, तरीका समझ गए? 50 70 84 का लासा एक साथ दोस्तों निकालेंगे, निकालिए फटाफट, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोस्तों किससे कट कट करेंगे? दो से कटेगा, मतलब दो से डिवाइड होगा, तो दो दूना चार, एक हासिल होगा, 10 दो पंचे 10 होगा, यहाँ 70 है तो दो तीन छः, एक हासिल 10, दो पंचे 10, और चौरासी दो चक्कू 8 और दो दूना 4 42 हो गया। पुनः देखिए दो से कटेगा क्योंकि 42 है, इसलिए कितना? दो से, ये तो आपको आता होगा मुझे तो उम्मीद है, 25 35 और कितना? दो दूना 4 दो एकम 2 21 हो गया। क्या अब दो से कोई कटेगा? नहीं कटेगा, बट क्या कोई तीन से कटेगा? देखिए 5 दो 7 होता ये भी नहीं कटेगा, 5 3 8 ये भी नहीं, इसलिए कट जाएगा तीन से। ठीक है, तो ये 25 को 25 से लिखा रहने दीजिए, 35 35 कट जाता, तो कटेंगे नहीं कटेगा जो जैसे होगा वैसे लिख लेंगे, और तीन सत्य दोस्तों कितना होता? 21 होता। अब देखिए किससे कटेगा? अब तीन से तो कोई कटने वाला है नहीं, ठीक है, तो क्या चार से चेक करें? चार से कोई कट रहा नहीं, तो पांच से दोस्तों कट जाएगा क्योंकि पचम 25 होता है, इसलिए पचम 25 और पांच सत्य दोस्तों कितना होता? 35 होता, और ये तो सात ऐसे ही रहेगा। पुनः दोस्तों पांच से कटेगा, पांच इक्कम 5, फिर 7 रहा, फिर 7 रहा, और फिर दोस्तों किससे कटेगा? सात से, सात से डिवाइड, कटने का था दोस्तों डिवाइड करना है, हमने कहा था तब तक दोस्तों डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 111 ना आ जाए। अब यहां दोस्तों 111 आ गया है तो हमारा ये पूर्णता क्या होगा? डिवाइड हो चुका है। अब दोस्तों क्या लिखोगे आंसर में? 50 70 तथा 50 70 तथा 84 का भाग विधि से, भाग विधि से लासा बराबर, भाग विधि से लासा दोस्तों कितना? ध्यान से देखिए इनको लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं कितना? 2 इंटू 2, दो बार है 2 2, इसलिए लिख लिया, फिर 3, उसके बाद दोस्तों कितना? देखिए 5 इंटू 5, दो बार है तो दोस्तों ये हमारा 5 हो गया, और पुनः ये 5 हो गया, और फिर कितना दोस्तों लास्ट में? 7 है। इनके सबके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान से देखिए, दो दूना 4, 4 तीन 12, और 12 पंचे दोस्तों 60, ठीक है,
और 6 × 5 = 30 और 60 × 5 = 300 और 3 कितना होगा 300 हो गया और 300 और गुणे 7 करेंगे 200 कितना क्या किया 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12 × 5 = 60 किया और 60 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना 0 और 5 × 6 = 30 300 होगा और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 200 0 और 7 × 3 = 21 तो इसका लास्ट 200 कितना 2100 आया देखे तो क्या लिखोगे दोस्तों आता है आता है दोस्तों क्या 70, 50 और 84 का भाग बीस से लाता कितना होगा 2100 हो गया दोस्तों लिख लीजिए फटाफट तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसे कर लिया होगा आपके समझ में भी दोस्तों आ चुका होगा ये 3 बना दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसको आप करें चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों चर्चा करते हैं क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए जैसे दोस्तों आपसे कहते ₹120, ₹210 तथा ₹330 का लासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए दोस्तों ये चैप्टर इतना अच्छा है इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी चैप्टर है और सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा लासा मासा क्या होता है ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी सीखना है इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखिएगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चैप्टर में दोस्तों आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान समझिए दोस्तों तो मुझे तो उम्मीद है आप निकालेंगे फटाफट निकालिए और ऐसे बताइए दोस्तों कितना होगा साथ ही में निकाल लीजिए क्योंकि ये आपको आता जरूर होगा 120, 210 और 330 भाग भीत क्या करें सबको एक साथ लासा निकाल लेंगे क्या सभी जितनी भी संख्याएं दे रखी सभी संख्याओं का लासा दोस्तों एक साथ फाइंड करेंगे ध्यान से देखें दोस्तों कैसे करेंगे अब देखिए सबसे पहले किससे कटेगा कट करेगा दोस्तों दो से 2 × 7 = 12 0 हो गया जाके 2 × 1 = 2 = 105 हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10 ये आ रहा ना 2 से डिवाइड कर लेते ना मुझे तो आता है क्या मुझे ये चीज मुझे तो उम्मीद आप समझ पा रहे हो ना बात करना आता होगा ना मुझे आने का मतलब दोस्तों आपको भी आता होगा ठीक है क्योंकि ये बहुत आसान है दो के पहाड़े से फटाफट डिवाइड कर लेंगे ठीक है चलिए आप पुनः देखते हैं दोस्तों 2 से कट करेगा 2 × 3 = 6 0 हो गया 2 × 5 = 10 अच्छा ये देखिए 2 × 5 = 10 करेंगे 5 नहीं कटेगा इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा अगली संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट में क्या है विषम है और 2 से वही संख्या डिवाइड होती है दोस्तों जिससे कि लास्ट में क्या हो सम संख्या हो ये कटेगा 2 × 1 = 2 और 1 × 5 = 10 होगा 2 × 5 = 10 = 15 हो गया देखिए पुनः किसे 3 से कट जाएगा 3 × 5 = 15 ये भी 3 से कटेगा हाँ 3 × 3 = 9 1 × 8 = 15 3 × 5 = 15 हो गया अब पुनः देखिए किसे कटेगा ये भी 3 से कट जाएगा 3 × 5 = 15 और 1 × 15 3 × 5 = 15 55 हो गया अब देखिए दोस्तों ये 5 से कटेगा
कैसे, 5 एकम 5, 5 7 35 कितना, फिर 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब फिर देखें दोस्तों किससे कटेगा, 7 से देखें, 7 एकम 7 और कितना हो गया, ये 11 हो गया। उसके बाद उससे किससे कटेगा, ये 11 से, हमने कहा था तब तक कट करते हैं जब तक लास्ट में 111 ना आ जाए। फटाफट इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखोगे, 120 कामा 210 तथा 330 का लासा भाग विधि का लासा, ऐसे लिख लीजिए का लासा भाग विधि, ऐसे लिखिए 120 210 330 का भाग विधि से, का भाग विधि से लासा बराबर कितना दोस्तों, फटाफट सबकी मल्टीप्लाई करें, 2 कितनी बार 3 बार है इसलिए 2 × 2 × 2 3 बार होगा, 1 2 3 बार है, फिर 3 दोस्तों 1 बार है, 3 हो गया। उसके बाद उसको कितना है, 5 है तो 5 हो गए दोस्तों। उसके बाद उसको कितना है, 7 है और उसके बाद उसको कितना, 11 है, ठीक है। 3 बार 2 था 3 बार 2 लिख गया, फिर 3 था 1 बार 3 लिख गया, 5 था 5 हो गया, 7 1 बार 7 तो 11 1 बार 11 हो गया। इनकी फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ऐसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, ठीक है, और 24 × 5 = 120 हो गया, और 120 सती कितना होता, 120 सती कितना, 84 840 हो जाएगा ना, और 840 हो जाएगा ना, 120 सती 840, और 840 की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लेंगे, 11 से, कितना 0 4 8 और कितना 0 4 8, 0 4 8 4 12 के 2 8 9 कितना आ गया, 9240। ये हमारा दोस्तों क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कर लेंगे ना दोस्तों ऐसे, तो और लिखना चाहते तो यहां ये लास्ट लाइन में लिख सकते हैं क्या, अतः 120 210 तथा 330 का भाग विधि से लासा बराबर कितना, 9240। फटाफट कर लीजिए, फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए, चलिए दोस्तों लिख लिया ना, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, दोस्तों कल के क्लास के हमने आपको प्रश्न कराए थे, वो भी किस विषय से थे, भाग विषय से, ठीक है, और आज क्लास में भी दोस्तों हमने भाग विषय से प्रश्न करा दिए, टोटल भाग विषय से 5 प्रश्न दोस्तों आपने देख लिए, ठीक है। चलिए अगली विधि की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं दोस्तों कैसे लासा फाइन करते हैं, इसको रख करें, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं, कहता है दोस्तों आपसे 60 70 तथा 108 का लासा, का लासा लघुत्तम समापवर्त, का लासा अभाज्य गुणन खंड, गुणनखंड विधि
समीकरण विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान समझे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बहुत दोस्तों आसान है। दोस्तों यहां अब अभी तक आपने डिवाइड मेथड से लासर निकाला, अब कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों लासर कैसे निकालेंगे, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से लासर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से लासर निकालने के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस दोस्तों, क्या स्टेप है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो संख्याएं दे रखी है दोस्तों उनका अलग अलग दोस्तों क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे 60 का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 70 का दोस्तों अलग से निकालेंगे, और क्या 108 के, इनके सभी के अलग अलग से गुणनखंड करिए। अभाज्य क्या करेंगे 60 70 80 के सभी के अलग अलग, क्या अलग अलग करके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो अभी करते आए जैसे क्या क्या सभी, यदि यही करता भाग में से तो सभी 60 70 108 का एक साथ लासा निकालते, एक साथ लिखते हैं और क्या एक साथ लासा निकाल लेते हैं। और जब अब से अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा तो प्रत्येक संख्या को दोस्तों क्या अलग अलग लिख के लासा निकालेंगे दोस्तों। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या प्रोसेस है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान समझिए, तो दोस्तों 2 से कट होगा, 2 3 6 और 0 हो गया, फिर पुनः 2 से 2 1 कम 2 और 1 हासिल 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, पुनः दोस्तों किससे 3 से कट होगा, 3 5 15 और दोस्तों फिर 5 से 5 एकम 5 ये कट हो गया। उसके बाद उस सप्ताह देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 5 मतलब 2 3 6 और एक हासिल 10 होगा, 2 5 10 फिर किससे कटेगा दोस्तों डायरेक्ट 5 से कटेगा, है कि नहीं, 5 7 35 और 7 से बस इसको भी काट लेते हैं। 2 से देखिए कटेगा, 2 5 10 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 2 4 और एक हासिल हो गया, यहां से क्या 2 2 4 1 4 14 2 7 14 फिर देखिए दोस्तों 3 से 3 9 27 3 9 कितना होता है 27 और पुनः दोस्तों 3 से कटेगा 3 3 9 और फिर किससे 3 से 3 एकम 3। ध्यान से देखिए, ये दोस्तों हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब दोस्तों क्या करें, इसके बाद इतना कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद इतना कर लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों क्या 60 क्या 60 के दो हमने क्या निकाला, 60 का 60 के हमने क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकाले, क्या क्या फैक्टर निकाले, 2 × 2 × 3 × 5 ये अभाज्य गुणनखंड निकाले 60 के। और दोस्तों उसके बाद कितने 70 के अभाज्य गुणनखंड कौन से निकाले, 2 × 5 × 7 और उसके बाद दोस्तों क्या 108 के गुणनखंड दोस्तों कौन से निकाले हैं, क्या 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है? 2 × 2 फिर कितना 3, 2 बार 2 था 3 बार 3 लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, गलती ना हो और हम आसानी से निकाल सके दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले जैसे 2 2 बार लिखा है तो उसको पावर के रूप में व्यक्त कर लीजिए, क्या पावर के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाए। ध्यान समझिए कैसे, जैसे इसी को दोस्तों व्यक्त कर रहे हैं, जैसे 2 × 2 तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और 3 तो था ये 3 लिख लिया और 5 वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। उसके बाद अच्छा 2 5 7 इसमें तो कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दिए। उसके बाद देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 और 3 × 3 × 3 बार है इसलिए कितना 3 की पावर 3 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए अब इन तीनों में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इन तीनों में जो कॉमन हो, क्या इन तीनों में जो कॉमन, जैसे 3 संख्या है देखिए 3 संख्या, इन तीनों में जो कॉमन हो, फिर 2 में जो कॉमन हो, उसके अलावा जो शेष बचे उस सभी दोस्तों लिखते हैं, क्या बात समझे, क्या इन तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों में कोई कॉमन होगा उनको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष लिखे बचेगा उसको लिखेंगे। ध्यान समझे कैसे, क्या लिखोगे 60 70 तथा 108 का अभाज्य गुणनखंड विधि से का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर। ध्यान समझिए दोस्तों क्या होगा,
अब देखिए यहां दो की पावर दो, यहां भी दो की पावर दो, यहां भी। अब ध्यान समझिए ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या, जब दो की पावर दो सब में मिल रहा है, जैसे यहां भी दो की पावर दो, दो की पावर जैसे दो इसमें भी मिल रहा है, दो इसमें भी मिल रहा, दो इसमें भी निकला, तो यदि आप पावर में व्यक्त कर चुके हो भाई, यहां दो की पावर कितनी एक, यदि आप उसको पावर में व्यक्त कर चुके हो दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लिखते हैं। तो इसमें दो की पावर दो, यहां भी दो की पावर दो, यहां यहां कितना दो, कितना दो की पावर एक है, तो सबसे बड़ी पावर दोस्तों कौन सी, दो की पावर दो, इसको यहां पे लिख लेते हैं ना, समझिए। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर कौन सा, तीन है। तो अगला नंबर दोस्तों हमारे पास कौन सा, तीन है। तो यहां देखिए तीन है, समझने का प्रयास करें, यहां तीन है, क्या इस लाइन में तीन है, नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या लास्ट वाले लाइन में तीन है, हाँ तीन है। तो तीन कितनी बार दोस्तों आया, तीन बार आया, इसलिए तीन की हमने क्या कहा, जिस अंक को चुनेंगे उसकी मैक्सिमम पावर को दोस्तों क्या लासा में लिखेंगे, जब आप गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद अब क्या दोस्तों, पांच बचा, पांच बचा, देखिए तो पांच इसमें है, तो कृपया पांच इसमें, हाँ इसमें भी, तो इन दोनों में दोस्तों पांच का मिल गया, लेकिन इसमें पांच नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लिखा जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, तीनों में कॉमन हो, उसके बाद दो में कॉमन हो, ठीक है, चाहे ये दो संख्या ले, चाहे ये दो संख्या में, दो में कॉमन हो, उसके बाद जो शेष बचता है उनको सभी को लिखते हैं। तो दोस्तों क्या पांच है, यहां भी पांच यहां लिख लिया। अब देखिए इसमें भी सारे दो तीन पांच, दो तीन पांच यहां भी आ चुका है, दो तीन था, दो तीन यहां आ गए। अब बट इसमें बचा क्या है, दो पांच तो वहां आ चुका ऑलरेडी, सिंगल सात बचा है, तो सात को भी यहां मेंशन करेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ समझे भैया, मुझे उम्मीद समझ गए चुके होंगे। अब ध्यान समझे दोस्तों क्या करेंगे, दो दूना दोस्तों कितना, दो की पावर दो का कितना, दो गुड़े दो, तो यानी कि कितना चार हो गया, गुड़े तीन की पावर तीन का मतलब कितना, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, तो तीन तीन नौ त्रिक सत्ताईस हो गया दोस्तों। और ये कितना आएगा, कितना ये कितना दोस्तों, पांच गुड़े सात, पांच सते पैंतीस हो गया, पांच सते पैंतीस हो गया। ध्यान समझे दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले चार को ऐसे कितना, चार की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लेते हैं, पैंतीस से कर लेते हैं, या चार की मल्टीप्लाई सत्ताईस से कर, किसी से कर लीजिए, चार की मल्टीप्लाई पैंतीस से कर रहे हैं, तो चार पंचे दोस्तों बीस हो गए, के चार पंचे बीस, दो चार तीन बारह, दो चौदह, और गोड़े दोस्तों कितना होगा, चौदह गोड़े सत्ताईस होगा, ठीक है, इतनी किस चीज क्लियर हो गए क्या, चार की मल्टीप्लाई पैंतीस से कर दिया, तो चार चार पंचे बीस का जीरो, सिलाए दो चार तीन बारह, दो चौदह हो गया, और गुड़े सत्ताईस। अब इनकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए फटाफट, तो दोस्तों चौदह सती कितना होता है दोस्तों, अट्ठानबे होता है कि नहीं, चौदह सती अट्ठानबे होता है, तो आठ हो गया, चौदह सती कितना होता है अट्ठानबे, आठ हो गया जाके, और चौदह दूना अट्ठाईस, और अट्ठाईस दोस्तों और नौ कितना, अट्ठाईस और नौ तो सत्रह, सैंतीस हो गया, कितना सैंतीस, तो सैंतीस हो गया, और एक जीरो था, तो 3780 दोस्तों इसका हमारा क्या आया जाके, लासा आया जाके। क्या लिखेंगे, अतः 60 70 तथा 108 का अभाज्य गुणनखंड से लासा बराबर 3780। तो ऐसे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड से लासा निकालते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों यदि आपको लग रहा होगा सर ये पावर वाला तो हमारे कुछ छो समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों हम एक तरीका आपको और बता रहे हैं, इसको रब कर करके, ठीक है, ये रब कर रहे हैं, ये भी आप नोट कर, मुझे तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर पाए तो हट जाने, स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ध्यान समझिए आप, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि आपको लगता है सर ये पावर वाला झमेला हमें समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों करना क्या है, इसको थोड़ा रब कर रहे हैं और देखेंगे फिर क्या करेंगे दोस्तों। वैसे ये आसान तरीका है, फिर भी यदि आपको डाउट है तो एक तरीका हम आपको और बता दे रहे हैं। करना क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन हो उनको लिख लीजिए, तो कॉमन वाला हम उसको गोला कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, जैसे ये कॉमन है, फिर उसके बाद दोस्तों ये भी दो कॉमन मिल रहा है, दो में कॉमन होना चाहिए, फिर देखिए ये हमारा तीन जो है भी कॉमन मिल रहा है, दिख रहा, और उसके बाद दोस्तों ये हमारा पांच बचा दोस्तों, ये पांच भी कॉमन मिल रहा है, उसको हम ब्लैक से कर रहे हैं, ठीक, और कुछ कॉमन नहीं, जो कॉमन मिला दो में कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो, दो दो अब जो जो गोले में उनको लिख लीजिए,
एक बार लिखना है। तो देखिए इस ये वाला लाल वाला गोले में इस पे ब्लैक लगा दिया, लिख लिया, दो हो गया, कितना हो गया, दो हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें कितना, अब ये भी गोले में इसलिए ये भी दो हो गया जाके, ठीक है हो गया, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये भी लाल वाला गोले, इसको भी लिख लिया, तीन कर लिया। उसके बाद दोस्तों पांच गोले में पांच को कर लिया, चार गोले थे, एक ये बना, दो बना, तीन, चार आकृतियां थी, चारों को लिख लिया। उसके बाद जो गोले में नहीं उनको भी लिख लिया, जैसे कौन सा नहीं गोले में, यहां तीन गुड़े तीन नहीं दोस्तों, तीन गुड़े तीन हो गया। और दोस्तों कुछ छूटा, हाँ ये देखिए सात छूट गया, ये सात हो गया, ये सात हो गया। आप दोस्तों इनकी भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो अभी आया था उतना ही आएगा, क्या अभी जो आंसर हमारा आया था उतना ही आएगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं आपको, जैसे कोई डाउट ना रहे। दो दूना चार, चार दिया बारह, बारह पंचे साठ, साठ हो गया दोस्तों। अब देखें छह तीन अठारह एक सौ अस्सी, एक सौ अस्सी और अठारह तीन दोस्तों कितना होता चौवन, पांच सौ चालीस, और पांच सौ चालीस की मल्टीप्लाई दोस्तों सात से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सात जीरो का सात चौक अट्ठाईस के आठ हासिल आ जाएंगे, कितना दो, और सादा पचे पैंतीस, दो सैंतीस, सैंतीस सौ अस्सी आ गए। तो दोस्तों इसके पहले भी सैंतीस सौ अस्सी आया था और अभी भी हमारा कितना आ रहा है, सैंतीस सौ अस्सी ही आ रहा। तो चाहे दोस्तों इस बीच से निकाल लें, चाहे आप पावर नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, बस ध्यान रखिए क्या, जब आप पावर में लिखेंगे तो थोड़ा सा 19-20 की संभावना हो सकती है गलत होने की, और यदि पावर लिख लेते तो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और पावर नहीं लिखेंगे तो जो संभव दोनों में तीन संख्याएं हों तो तीनों में होंगी, चार संख्याएं होंगी तो चारों में होंगी, दो संख्याएं होंगी तो दो में होगा, क्योंकि यहाँ तीन संख्या इसलिए जो तीनों में कॉमन था उसको लिख लिया। उसके बाद सिर्फ ये दो का दो में कॉमन था उसको लिख लिया, फिर उसके बाद दोस्तों कितना, तीन भी दो ही में कॉमन है इसको लिख लिया। तो क्या जो दोनों में कॉमन हो, क्या दो होंगे तो दो में, जो तीन होंगे तो जो तीनों में कॉमन हो, फिर उसके बाद जो दोनों में कॉमन हो, उसके बाद जो शेष बचते हैं सभी को लिख लेते हैं, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फटाफट लिखिए इतना भी, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार बहुत ही अच्छे से जोरदार एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने स्तर पे, जितने भाई बंधु हैं देख रहे हैं सभी भाई बंधु एक बार जोर के साथ जोर लगा के शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। अच्छा दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने आपको बताई, और दोस्तों भाग विधि, किसी भी मेथड से दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे, क्या किसी भी मेथड से यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो आंसर उनका सभी का सेम ही आएगा। यदि इसी को दोस्तों क्या, यदि आप भाग विधि से भी निकालेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, क्या यदि अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने बताई उसी से बताएं, यदि इसी को दोस्तों हम किससे निकालते हैं, भाग विधि से भी निकालेंगे तो 37 80 ही आएगा। चलिए करके भी दिखा देते हैं कैसे, या हम बताएं दोस्तों करके ना दिखाएं, आप लोग करके देखिएगा और कमेंट करके मैं बताइएगा जरूर, क्या इसको आपने इसका जब एलसीएम निकाला हूं इससे भाग विधि से, क्या 37 80 ही आया, 3780 ही आया, और आएगा ही आएगा, और यदि नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। चलिए आपका होमवर्क है दोस्तों, आप जितने भाई बंधु देख रहे हो सभी भाई बंधु क्या 60 70 108 का एलसीएम दोस्तों भाग विधि से निकालिएगा और बताइएगा क्या आंसर आ रहा दोस्तों, ठीक है। यदि आंसर सेम नहीं आया तो आप चेक करिएगा कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, किसी भी विधि से एलसीएम निकालोगे एलसीएम सेम ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों आपसे, दो सौ पचास तथा 300 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को अलग अलग लिख लेंगे, 200 लिख लिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कितना 250, यानी कि 250 मतलब कितना 250, उसके बाद दोस्तों कितना 300, फटाफट निकाल लेते हैं,
देखिए दोस्तों, दो से कट होगा, सौ हो गया, फिर दो से 200 कितना 50, ये तो आता होगा कि नहीं। फिर दो से 200 क्या भाग करना होता है, क्या करें, दो दूना चार हो गया, और एक हासिल 10 हो गया, दो पंचे 10 हो गया, और फिर 200 किसे 5 से, और पुनः 5 से, ठीक है। अब इसको देखे, दो से दो एक कम दो, दो दूना चार, दो पंचे 10, दो एक दो दूना चार होता दोस्तों 125, क्या दो एक कम दो होगा, फिर दो दूना चार होगा, एक हासिल हो जाए 10, दो पंचे 10, पुनः देखे दोस्तों कैसे कटेगा। अब 5 से दोस्तों कटेगा डायरेक्ट, पचम दे 5 दूनी 10 हो गया, पचम 25 हो गया, और फिर 5 से पचम 25, और फिर 5 से 5 एक कम 5, ठीक है। चलिए देखिए, दो से कट करिए, दो एक कम दो, दो पंचे 10 जीरो हो गया, फिर दो से 214 और दो पंचे 10 हो गया 75, फिर दो से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये लास्ट में कैसी विषम संख्या, इसलिए दोस्तों किससे कट होगा, 7, 5, 12 तीन से भी कट हो जाएगा। क्या यदि हम अंकों को जोड़ दें, यदि उनका अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा दोस्तों, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 7, 5, 12 हुआ था, 12 3 से डिवाइड हो गया, इसलिए यह संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। विभाज्यता की जांच होती 3 की, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 होगा, 3 पचे 15, 5 से कट करते हैं, पचम 25 और फिर 5 एकम, ठीक है। क्या लिखोगे दोस्तों, 200 के ये अभाज्य गुणनखंड के लिए जो इधर निकलते हैं दोस्तों, इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या है, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, दो तीन बार था फिर 5 हो गया। फिर दोस्तों 250 के देखते हैं, उसके बाद दोस्तों कितना 300 के, 250 के दोस्तों कितना 2 × 5 × 5 × 5, ठीक। उसके बाद दोस्तों कितना 300 के दो बार दो दो है, 2 × 2 हो गया, फिर एक बार 3 है, और दो बार दोस्तों कितना 5 है। फटाफट दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसको घातों में चेंज कर लेते हैं। घातों में कैसे, क्या जो 3-4 बार लिखे हो, जैसे 2 है 3 बार लिखा, तो उसको क्या कितना 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 3 वाले 1 2 3 वाले, 2 की पावर 3 लिख लिया। फिर 5 कितना दोस्तों 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख लिया, क्या 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहां देखिए 2 सिंगल है, इसलिए सिंगल ही रहने देते हैं। उसके बाद 1 2 3, 5 के बाद दोस्तों कितना लिख दिया 3, 1 2 3, 5 की पावर 3। उसके बाद दोस्तों कितना 2 2 बार, इसलिए 2 × 2 की पावर 2 हो गया। फिर 3 दोस्तों 1 बार है, 1 बार लिखा रहने देते हैं। उसके बाद 5 दोस्तों 1 2 बार है, ठीक। आप क्या लिखोगे, 200 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा। ध्यान से देखिए कितना होगा दोस्तों, हमने क्या कहा, सबसे बड़ी अंक चुनिए, अंक सबसे पहले कौन सा, 2 चुन के लिया। इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी दोस्तों, 3, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो सबसे बड़ी पावर कितना दोस्तों 3 है, इसलिए 2 की पावर 3 होगा गुणे। उसके बाद दोस्तों कितना 5 है, तो 5 की पावर यहां 2 है, 5 की पावर यहां 3 है, और यहां कितना दोस्तों 5 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम 5 की पावर कितनी बड़ी दोस्तों 3, इसलिए 5 की पावर दोस्तों 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या कुछ और बचा है, देखिए 2, अब चेक कर लीजिएगा, पावर लिखने के बाद भी चेक करिएगा, यदि कोई बच जाता है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहां 2 की पावर 3 हो गया, मैक्सिमम 2 हो गया, यहां 5 था, 2 5 हो गया, यहां 2 है, यहां 5 है, 2 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 है, यहां 3 है, और 3 वहां कहीं नहीं आया, 5 आ चुका है, यानी कि 3 भी एक है भी हमारे पास। क्या पावर लिखने के बाद उनको क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले चेक कर लेते हैं शेष तो नहीं बचा। अब 2 की पावर 3 का दोस्तों कितना 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 × 8 हो गया, और 5 की पावर 3 का दोस्तों कितना 5 × 5 × 5, ये 5 की पावर 3 का मतलब है, तो पचम 25 × 5 = 125 हो गया, और गुणे दोस्तों कितना हो गया 3, कितना होगा 3 होगा दोस्तों। फटाफट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 8 × 5 = 0 हासिल है 4, और 8 × 2 = 16 = 20 हासिल है 2, और 8 × 1 = 8 = 10 कितना होगा 1000, और गुणे दोस्तों कितना 3। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितना हो गया,
तीन की मल्टीप्लाई तीन एक से करेंगे तो कितना 3000 हो जाएगा, कितना 3 क्या लिखोगे, अतः 200, 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड विषय लाशा कितना होगा 203000 आएगा। ठीक है चलिए लिख लीजिए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को पसंद जरूर आई होगी। फिर भी दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने आपको दोनों विधियां विधिवत से समझा दी दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, कमेंट करते रहिए और हाँ दोस्तों शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।